हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक वॉशिंग मशीन को कैसे अपडेट किया जाता है इसका इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्काईवर्स का 7 kg का वॉशिंग मशीन है और इसको कैसे अपडेट किया जाता है इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आप वॉशिंग मशीन चलाना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक डोर है, तो डोर को हमें खोल लेना है इस तरह से। डोर खोल लेने के बाद जो भी आपका क्लोथ है उसको एक एक करके अंदर डाल देना है। एक एक करके डालने से इसका वॉशिंग अच्छी तरह से होता है। सब को एक बार में न डालें, एक एक करके इस तरह से डाल देना है। और एक क्लोथ, जैसे क्लोथ डालते वक्त आपको एकदम टाइट करके नहीं डालना है, ये लूज होना चाहिए। लगभग इसका 75% पार्ट अंदर का जो चेम्बर है उसका 75% कवर होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, इसको लॉक कर देना इस तरह से। लॉक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो चेम्बर है थोड़ा सा, तो इसको हमें ओपन कर लेना है और इसके अंदर सर्फ डाल देना है। जैसे सर्फ, हाई क्वालिटी का सर्फ होना चाहिए, एरियल या कोई अच्छी क्वालिटी का सर्फ यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मल क्वालिटी का है तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रख दे, जिससे आपका क्लोथ अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो मैंने वॉशिंग पाउडर को यहाँ पे रख दिया है और फिर इसको बंद करने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से हमें सेटिंग करना है। जैसे अभी आपका क्लोथ क्या है उसी तरह का डिफरेंट सेटिंग है। जैसे ड्यूवेट, वूल, अंडरवेयर, स्पोर्ट्स, इको, कॉटन, मिक्स, सिंथेटिक, बेबी केयर, क्विक 15, रिंग स्पिन, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है। तो अब आपका क्लोथ अगर मिक्स है तो इसको मिक्स में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंडिकेटर, इसको मिक्स में रखना है। मिक्स में रखने के बाद आपको यहाँ से पावर ऑन करके स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर आपका बेबी केयर है तो यहाँ पे रख सकते हो, मतलब जिस तरह का आपका सेटिंग होगा उसी तरह से यहाँ पे आएगा। तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ स्विच ऑन करके। पहले यहाँ पे आप देख सकते हो पावर बटन है। पावर बटन ऑन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है 1 hour 6 minutes। ये है रोटेटिंग स्पीड, मतलब कितने स्पीड में आपका जो मोटर है वो रोटेट करेगा। मैक्सिमम स्पीड 12 से है। और यहाँ पे टेम्परेचर अभी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल वॉश करेगा। तो चलिए इसको मैं बेबी में रख के देखता हूँ। बेबी में रखने के बाद आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर 60 में आ गया है और जो स्पीड है वो 800 में। तो अब जिस तरह से सेटिंग करोगे उसी तरह, जैसे क्विक 15 में रखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग 15 मिनट और स्पीड 800। उसके बाद इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं, या तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे आपको टेम्परेचर, जैसे आपको स्पीड को ज़्यादा करना है या कम करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कम भी कर सकते हो। और इसमें टेम्परेचर वैलिड नहीं है। तो चलिए मैं बेबी केयर में रहने के बाद आप देख सकते हो 60 डिग्री टेम्परेचर है। तो इसको अगर बढ़ाना है या कम करना है तो वहाँ से भी किया जा सकता है। तो इस तरह से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन भी है। और सेटिंग कर लेने के बाद, जैसे अभी हमारा क्लोथ जो है वो मिक्स है तो इसीलिए इसको मैं मिक्स में रख लेता हूँ। और यहाँ स्पीड 800 है। अगर मानी स्पीड को हमें 400 करना है तो 400 में भी कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट बटन को प्रेस कर देना है। चलिए स्टार्ट बटन को प्रेस कर देते हैं और उसके बाद ये मशीन स्टार्ट हो जाएगा। अभी देख सकते हो अंदर अभी क्लोथ नहीं घूम रहा है, मतलब पहले इसको वाटर इसमें रखेगा, वाटर से सबको भिगोएगा, उसके बाद स्पिन होना या घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें टाइम लगेगा और आप देख सकते हो इसका टोटल वॉश टाइम है 1 घंटा 6 मिनट। मतलब 1 घंटा 6 मिनट के बाद ऑटोमेटिक मशीन ऑफ हो जाएगा। आपको ऑफ करने आना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप आराम से जब आपका टाइम हो उस वक्त आके इसका क्लोथ निकाल के और फिर उसको सुखा सकते हो। इसमें 80% ड्राई ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको थोड़ा सा 1 घंटा
बाद इसको धूप में सुखाने के बाद आपका कोच रेडी हो जाएगा। जैसे अभी वाटर इसमें डिपॉजिट हो रहा है, अभी साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों, ये था एक वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करने का प्रोसेस। अगर आप ये वॉशिंग मशीन लेना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक बहुत ही अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी का वॉशिंग मशीन है, और इससे हाई रेंज का वॉशिंग मशीन भी आता है LG सैमसंग का। अगर आप वो लेना चाहते हो तो 7 kg या कोई भी वॉशिंग मशीन लेना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया है, उस लिंक में जाकर आप वॉशिंग मशीन का परचेजिंग कर सकते हो। लेकिन ये भी एक चीप रेट में, मतलब एक मीडियम रेट में अच्छा क्वालिटी का वॉशिंग मशीन है। और आप देख सकते हो इस वॉशिंग मशीन में लो एनर्जी सेविंग है, साइलेंट है, ज़्यादा साउंड नहीं आता है, ड्यूरेबल है और क्लीनिंग भी अच्छा होता है, और ऑटो इंटेलिजेंट है, यानी खुद ही ऑफ हो जाएगा या इसमें कोई फॉल्ट है तो उसके रिलेटेड अलार्म भी एक खुद ही देने लगता है। तो अगर ये वॉशिंग मशीन अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको खरीद सकते हो।